नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करने से पहले खबरों की, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। 24 घंटे में मिले 149 नए संक्रमित, 5 की मौत। 152 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने कहा, कोरोना को लेकर जमीनी सच्चाई बताए, डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचने की क्या है तैयारी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 25 से 27 जून तक झमाझम बारिश के आसार। पिथौरागढ़ जैसे जिलों में हल्के से मध्यम बारिश के आसार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दरअसल उत्तराखंड से सामने आई है कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं। बीते कई दिनों से उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम आ रहे हैं, ये जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें ये जानकारी दी गई है कि मामले लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है अलग अलग देश के राज्यों में, लेकिन फिलहाल ये उत्तराखंड से जानकारी सामने आई है। उत्तराखंड में 149 मरीजों की खबर सामने आई है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में मिले 149 नए संक्रमित, 5 की मौत हुई है इस दौरान। पिछले 24 घंटे के ये आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, 95.36% रिकवरी रेट पहुंच गया है। उत्तराखंड की ये बात कर रहे हैं, 24 घंटे में 192 मरीजों के ठीक होने के बाद घर भेजा गया है उन्हें। दरअसल पिछले 24 घंटे में 149 नए संक्रमित मिले हैं, उत्तराखंड से जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही 5 लोगों की मौत हुई है। धीरे धीरे पूरे देश में रफ्तार कोरोना की कम होती जा रही है, साथ ही उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, जिसे देखते हुए उत्तराखंड में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाजारों को खोला गया, रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं, क्योंकि मामले लगातार कम आने लगे हैं। राहत है लोगों के लिए भी, मामले कम हो रहे हैं। दूसरी लहर का प्रकोप हमने देखा, किस तरह से पूरे देश में दहशत मचाई कोरोना ने। लोगों में डर था, अपनों को खोने का डर था, ये उत्तराखंड से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे में 149 नए संक्रमित मिले हैं, 5 लोगों की मौत। 95.36% रिकवरी रेट पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार कम होने लगी है। 24 घंटे में 192 मरीजों की ठीक होने की जानकारी भी सामने आई है। मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें घर भेजा गया। दूसरी लहर में देखा गया किस तरह से अस्पतालों की भी मारामारी हुई। कोरोना का दहशत लगातार फैल रहा था, लेकिन पिछले बीते कई दिनों से लगातार कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। 24 घंटे में 149 नए संक्रमित मिले हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मौत का सिलसिला अभी भी जारी है देश में। 95.36% लोगों के ठीक भी होने गई है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। धनराज, उत्तराखंड में मामले अब कम आ रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर की भी आशंका है, तो इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार की क्या तैयारी? जी सोनिका, बिल्कुल, जिस तरीके से राहत की बात है कि अब कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। यदि 24 घंटे की बात करें तो 149 मामले सामने आए। हालांकि जो चिंता का विषय है, 5 लोगों की अभी भी मौत हुई है 24 घंटे के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से तीसरी लहर की बात की जाए, तो तीसरी की आशंका लगातार जताई जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा, वही डॉक्टरों के द्वारा साथ में कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी तो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रभावित करेगी। जिसके लिए उत्तराखंड सरकार की बात करें तो उत्तराखंड सरकार लगातार अपनी जो तैयारियां हैं उनमें जुटी हुई है। तमाम मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लगातार जो अधिकारी हैं उनको निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि तीसरी लहर को लेकर सतर्क रहें, कभी भी तीसरी लहर आ सकती है, इसकी आशंका जताई जा रही है। जी धनराज, ये जानकारी दीजिएगा कि अब हालात कैसे हैं अस्पतालों के, क्योंकि मरीज तो कम आ रहे हैं लेकिन मौसम में बीमारी भी चल रही है, तो अस्पतालों में क्या प्रबंधन है? जी सोनिका, बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि मौसम के बदलने के साथ साथ बीमारियां भी जन्म लेती हैं, तो जिस तरीके से डेंगू की बात करें या अन्य बीमारियों की बात करें तो मरीज बढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से अस्पतालों के हालात देखे जाए तो अस्पतालों में भी लोग नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है कि कोरोना बीमारी जो है वो अपनी चपेट में उनको ना ले ले। इस वजह से जो लोग हैं वो मरीज अस्पतालों में नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि जो अस्पताल प्रशासन है लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि अन्य बीमारियों को लेकर भी अस्पताल है वो सुरक्षित है, कोरोना का ऐसे कोई मामले अब नहीं बढ़ रहे हैं। तो जिसको लेकर अस्पतालों की तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां भी लगातार तीसरी लहर को लेकर भी वहां पर की जा रही है। यदि दून हॉस्पिटल की बात करें, देहरादून
जो सीएमएस है के, जी उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर जो आने वाली है उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम बेड वहां पर बना दिए गए हैं, वार्ड बना दिए गए हैं, बेड लगा दिए गए हैं उनमें, तो उसके लिए पूरी तैयारी तीसरी लहर के लिए की गई है। जी धनराज, बच्चों के लिए क्या तैयारी है, क्योंकि तीसरी लहर में आशंका जताई गई है कि बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बच्चों को लेकर उत्तराखंड सरकार कितनी तैयार? बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से बच्चों की बात करें, जैसे कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर होगी वो कहीं ना कहीं बच्चे उससे प्रभावित होंगे, तो उसके लिए उत्तराखंड सरकार लगातार तैयारी उत्तराखंड सरकार है कि जो तैयारी है वो काफी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार दावे, जो तीसरी लहर की तैयारी है वो हमारी पूरी है। तमाम तरह के बेड हॉस्पिटलों में लगाए गए हैं, हॉस्पिटलों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड हो या फिर नॉर्मल बेड हो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। जी धनराज, ये बताइए उत्तराखंड सरकार में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसे चल रही है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ही हथियार है इस वक्त। जी सोनिका, बिल्कुल वैक्सीनेशन एक कोरोना के खिलाफ हथियार जरूर है, लेकिन वैक्सीनेशन की बात करें तो जिस तरीके से प्रक्रिया उत्तराखंड में चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधन में कह चुके हैं कि जो राज्य हैं उनमें तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी और वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो लगातार उत्तराखंड की बात करें तो लगातार वैक्सीनेशन हो भी रहा है, लेकिन उत्तराखंड में जो लक्ष्य रखा गया है 1 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रखा है। जी इस वक्त हालात बताइएगा, उत्तराखंड में क्या हालात हैं, तस्वीरें कैसे नजर आती है जमीनी स्तर पर, क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से हालात की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार कोरोना कर्फ्यू उत्तराखंड में अभी भी जारी है, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कुछ छूट उसमें दी है कि 5 दिन जो दुकानें हैं वो खुल रही हैं, मार्केट पूरा खुल रहा है, लेकिन बाजारों की हालत देखे तो जिस तरीके से लोग की भीड़ उमड़ती है तो कहीं ना कहीं वो एक खतरा जरूर मंडराता हुआ नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क लगाना है उसका लगातार पालन करें, जिसको लेकर लोग जागरूक जरूर हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है लोगों को, सरकार तैयारी कर रही है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे रुक करते हैं उत्तराखंड से ही जानकारी है। दरअसल उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, ये फटकार कोरोना को लेकर जमीनी सच्चाई बताने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जमीनी सच्चाई बताने को कहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचने की क्या तैयारी है, दरअसल नया वेरिएंट कोरोना का सामने आ गया है और अब उससे बचने की क्या तैयारी, ये हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा है। सरकार अदालत को मूर्ख बनाना बंद कर दे, ये भी कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। पहली और दूसरी लहर में जिस तरह से कोरोना का प्रकोप सामने आया, अब कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ी है। विशाखा, अब नया वेरिएंट भी कोरोना का सामने आ रहा है और ऐसे में उत्तराखंड सरकार पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि कोरोना की हकीकत बताए, आखिरकार जमीन सच्चाई क्या है, क्या जानकारी विशाखा? जो डेल्टा जो क्षेत्र है वहां पर पूरी तरीके से फैलने की आशंका है और भयानक रूप से फैलने की आशंका है, जिसको लेकर अभी मध्य प्रदेश और केरल में भी कई मामले सामने आए हैं। इसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से तीसरे वेरिएंट को लेकर सरकार की तैयारियों की सच्चाई बताने के लिए भी एक तरीके से कहा है और उनसे कहा गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से सरकार तैयारी कर रही है और अगर अक्टूबर के पहले सप्ताह में ये तीसरा वेरिएंट फैलता है तो सरकार इसको किस तरीके से मैनेज करेगी। पहाड़ की जो तमाम स्वास्थ्य सेवाएं जो दूसरी लहर में चतराई दिखाई थी उसको लेकर सरकार कितनी जो फिलहाल तैयारियां कर रही है वो है, यह जो पूरी जो फटकार है वो नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई है। और साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर भी कहा गया है कि अगर सरकार चारधाम यात्रा शुरू करती है तो उसको लेकर भी पूरी की पूरी जो तीसरे वेरिएंट को लेकर जितनी सतर्कता है वो भी बताई जाए। ये सारी चीजें नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कही। बिल्कुल विशाखा, जिस तरह आपने कहा चारधाम यात्रा को लेकर भी कहा गया है, हरिद्वार मेले के दौरान देखा गया कि कितनी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई लेकिन उसके आंकड़े भी छुपा लिए गए थे, जिसके बाद ये मामला शुरू हुआ। तो चारधाम धाम यात्रा को लेकर के उत्तराखंड सरकार कितनी तैयारी है, क्या कोई नई गाइडलाइंस जारी की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट ने जो कई जनहित याचिका दायर की गई थी उन पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है कि अगर कुंभ जैसी स्थिति फिलहाल बनती है तीसरे वेरिएंट को लेकर तो इस पर राज्य सरकार क्या करेगी, और यदि चारधाम यात्रा को सरकार शुरू करना चाहती है जो 1 जुलाई से प्रस्तावित फिलहाल है उसको लेकर सरकार की धरातली सारी जो सच्चाई है वो
की जाए, जिस तरीके से कुंभ को लेकर जो तमाम तैयारियां सरकार की यहाँ फेल होती दिखाई दी थी वैसा ना हो, इसको लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है। और साथ ही साथ अगर चारधाम यात्रा शुरू कर दी है सरकार को तो उसको लेकर तमाम इंतजाम की पुख्ता जानकारी हाईकोर्ट को उपलब्ध कराए, ऐसा जो नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। कहीं भी कोर्ट को गुमराह ना किया जाए, कोई भी सच्चाई ना छुपाई जाए, इस तरीके से जो तमाम जो जनहित में जो सुनवाई हुई है वो कोर्ट के द्वारा की गई है। और साथ ही साथ चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि या तो धरातली सच्चाई कोर्ट के सामने रखी जाए, तैयारियां जो पुख्ता तैयारियां है वो रखी जाए, या फिर इस यात्रा को स्थगित किया जाए। तो उषा का ये जानकारी दीजिएगा कि उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट ने कितना समय दिया है कि रिपोर्ट देने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से फिलहाल जो टाइमिंग है वो हाईकोर्ट के द्वारा दी गई है कि 1 जुलाई से पहले हाईकोर्ट के सामने तमाम जो चीजें हैं, तमाम इंतजाम जो है सरकार के वो रखे जाए, तभी चारधाम यात्रा को लेकर कोर्ट अनुमति प्रदान करेगा या जितनी भी जो चीजें हैं वो करेगी, क्योंकि थर्ड वेरिएंट का ज्यादा से ज्यादा खतरा फिलहाल अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक बना हुआ है, जिसको लेकर पहाड़ी जिलों में भारी जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है, भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी मामला सामने आ गया है विशाखा, अब नया वेरिएंट आ गया है, तो उत्तराखंड सरकार अब इसमें क्या तैयारी कर रही है, क्योंकि पहले मामले में देखा गया कि फर्जी वाला सामने आ गया, तो अब इस वेरिएंट को लेकर क्या तैयारी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से थर्ड वेरिएंट की जो पूरी की पूरी आशंका है वो विशेषज्ञों के द्वारा बताई गई है, इसको लेकर फिलहाल सरकार के द्वारा ऐसा कोई इंतजाम जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि बच्चों के लिए जिस तरीके से क्योंकि कहा गया विशेषज्ञों के द्वारा कि थर्ड वेव में बच्चों पर असर देखने को मिलेगा, उसके बाद जिस तरीके से तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो बच्चों के लिए अलग से वार्ड तैयार करने की जो तैयारी है वो सरकार के द्वारा फिलहाल की जा रही है, ये जो सारे इंतजाम है वो सरकार के द्वारा थर्ड वेरियंट को लेकर देखने के लिए मिले। बिल्कुल विशाखा, इस तरह से आपने ठीक कहा कि इस तरह से उत्तराखंड सरकार तैयारी कर रही है, हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है, कोरोना की जमीनी हकीकत मंगाई गई है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। अब देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट किस तरह फैल रहा है, राज्य सरकार क्या तैयारी कर रही है, वो आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। डेल्टा प्लस नया खतरा जो आया है, अब महाराष्ट्र और केरल में डेल्टा प्लस के मरीज मिले हैं, ये आपको बता दें कि अभी तक कहाँ ये मरीज मिले हैं, महाराष्ट्र और केरल में। इसके बाद महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 21 मरीज मिले हैं, महाराष्ट्र में अभी तक डेल्टा प्लस के 21 मरीज मिल गए हैं, कोरोना का ही नया रूप है डेल्टा प्लस, 21 मरीज इसके सामने आ गए हैं महाराष्ट्र में। केरल में डेल्टा प्लस के 3 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, अगर बात करते हैं केरल की तो 3 मरीज केरल में सामने आ चुके हैं डेल्टा प्लस के। एक और कोरोना का खतरा, अब उसका नया खतरा सामने आ गया है, भारत में कोरोना के डबल मूवमेंट स्ट्रेन को WHO ने डेल्टा का नाम दिया है। दरअसल भारत में मिले कोरोना के डबल मूवमेंट स्ट्रेन को WHO ने डेल्टा नाम दिया है, नए म्यूटेशन के बाद वेरिएंट को डेल्टा का नाम दिया गया है। दरअसल एक कोरोना का ही नया वेरिएंट है जिसे डेल्टा का नाम दिया गया है, WHO की तरफ से ये नाम दिया गया है। यह वेरिएंट वैक्सीन और दवाओं के असर को कमजोर कर सकता है, यह जानकारी भी सामने आई है कि नया वेरिएंट दवाओं को असर को कम कर सकता है, वैक्सीन के असर को कम कर सकता है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से दूसरी लहर का सामना किया गया है, दरअसल डेल्टा वेरिएंट की वजह से दूसरी लहर का सामना है। बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बड़ी जानकारी आ गई है उत्तराखंड से सीधे, 25 से 27 जून तक झमाझम बारिश के आसार बताए गए हैं, ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर झमाझम बारिश होगी, ये जानकारी सामने आई है। पिथौरागढ़ जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। दरअसल उत्तराखंड में फिर से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है, बीते कई दिनों से धूप निकल रही थी लेकिन एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है, लगातार कई दिनों से बारिश के बाद धूप नजर आई लेकिन एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। दरअसल 25 से 27 जून तक झमाझम बारिश के आसार बताए गए हैं, 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में झमाझम बारिश होगी, ये मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। इसी के साथ पिथौरागढ़ जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार, बीते दिनों तस्वीरें हमने देखी उत्तराखंड में बारिश से क्या तबाही मची थी। इसी बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता संचित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। संचित ये बताइएगा कि उत्तराखंड में एक माफ कीजिएगा चंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं, चंचल तमाम जानकारी दीजिएगा कि उत्तराखंड में बारिश के बाद धूप निकली लेकिन एक बार फिर से बारिश का मिजाज बदल गया है, क्या चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। बिल्कुल देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है, मौसम विभाग का साफ साफ ये कहना है कि
जो 27 जून तक जो है झिमझिम बारिश और तेज हवा के साथ बारिश होगी, और जो पिछले दिनों की बात करते हैं तो जो है लगातार बारिश हो रही थी उत्तराखंड में। बारिश के चलते जो निचले के इलाके हैं वो यूपी के बिजनौर और जो इलाके हैं उनमें भी बाढ़ की संभावना बन गई थी, बाढ़ आने की हो गई थी, कुछ गांव व खाली कर दिए गए थे। तो इसी को लेकर जो है मौसम विभाग की फिर दोबारे से जो बताया जा रहा है कि मौसम विभाग की 27 जून तक जो है मौसम बदलेगा और बरसात होगी, झिमझिम बारिश लगातार होती रहेगी, तेज हवाओं के भी जो है बताया जाता है कि चलती रहेंगी। और अगर देर रात्रि की बात करें तो 3 बजे रात्रि से भी बरसात शुरू हो गई थी, हरिद्वार हो और जो पहाड़ी इलाके हैं उन पर बरसात हो गई थी। अभी की बात करें तो मौसम जरूर हो रहा है, लेकिन जो है 27 जून तक मौसम विभाग ने अल्टीमेटम दे रखा है कि जो है बारिश और झिमझिम बारिश और तेज हवाओं के चलती रहेगी। तो चंचल ये जानकारी भी दीजिएगा कि जिस तरह पहले तस्वीरें सामने आई थी कि उत्तराखंड में किस तरह तबाही मची, नदियां उफान पे रही थी, तो क्या एक बार फिर से ऐसी तस्वीर देखने को मिलेंगी क्या, या पहले से प्रशासन अलर्ट है इस बार? बिल्कुल, प्रशासन ने जो है पहले भी जो है हाई अलर्ट कर दिया गया था, और अभी भी की अगर बात करें तो मौसम विभाग के चलते उन्होंने जो है जो नहर है, जो गंगा नहर है उसको खास रोक दिया गया था। तो अभी भी वो जो उनकी कहा जा रहा है कि अगर बरसात होती है और बरसात की उसमें है तो जो है हाई अलर्ट कर दिया जाएगा, और प्रशासन ने जो जितनी भी जो नहर के गंगा के किनारे के जो इलाके हैं उनको खाली करवा दिया गया है, और वहाँ पे जो है जो जल पुलिस एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पहले से ही पहुंच गई हैं, जिस तरीके से कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, किसी को जनहानि का कोई ऐसा हो ना हो, तो उसको लेकर प्रशासन अलर्ट हाई अलर्ट करा हुआ है। चंचल ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पर भारी बारिश के आसार जताए गए हैं या जहाँ ज्यादा नुकसान देखा जा सकता है, कैसे कुछ जानकारी? देखिए अगर उत्तराखंड की बात करें तो जो है उत्तरकाशी हो गया, उधम सिंह वो जो नैनीताल और ये जो क्षेत्र है वहाँ से जो है काफी बरसात होने की संभावना होती है। जो पिथौरागढ़ है वहाँ पर जो है बरसात होने की झिमझिम बरसात होगी, लेकिन उत्तरकाशी में ज्यादा बादल फटने की संभावनाएं होती है, तो उत्तरकाशी से अलर्ट करा गया है। जो अलकनंदा है वो उत्तरकाशी से आती है, और अलकनंदा से जो पानी का जो बहाव आता है वो इतनी तेजी से आता है कि हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने के बाद उसकी रफ्तार काफी तेजी से बढ़ जाती है, और जो आसपास के जो गांव है जो किनारे होते हैं वो कटाव होते हैं, तो उसको लेकर भी हाईलाइट किया गया है। लेकिन उत्तरकाशी में बादल फटने की संभावनाएं भी हो सकती है। चंचल बीते दिनों जो बारिश हुई थी उसमें देखा गया कि राष्ट्रीय मार्ग बंद हो गए थे भूस्खलन की वजह से, तो क्या वो मार्ग खुले इस बार? बिल्कुल, देखिए अभी जो मार्ग है उन पर कार्य चल रहा है, जो एनएच की जो टीमें हैं वो पहुंची भी हैं वहां पर काम कर रही हैं, और जो है लेकिन परेशानी जो हो रही है क्योंकि जो किनारे हैं वो जो काफी जो है वहाँ पे जो भूस्खलन हुआ था, जो पहाड़ के जो रास्ते थे वो खत्म हो गए थे, कुछ पुल थे जो ऐसे बनाए हुए थे वो खत्म हो गए थे, अभी उनका निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी मिल रही है उसको लेकर भी अभी प्रशासन की कुछ चिंताएं बनी हुई है, क्योंकि जो है आने जाने के जो रास्ते हैं जो स्थायी लोग हैं वहाँ के उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रास्ते में अभी काम चल रहा है, और कुछ रास्ते ऐसे हैं जो बना दिए गए हैं और कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनको 1 या 2 दिन लगेंगे, लेकिन लगातार बारिश होने की संभावना जैसे बताई जा रही है, तो उसके लिए उनकी जल्दी परेशानी हो सकती है। ठीक है चंचल, आपने हम तक जानकारी पहुंचाई कि 3 से 4 दिन में बारिश होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड से ही बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड में चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी में बैठक का दौर लगातार जारी है, सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, कांग्रेस बीजेपी में बैठक का दौर जारी है, कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है उत्तराखंड में। दरअसल आपको जानकारी पहुंचा दें, बीजेपी प्रदेश स्तर पर तैयारियां कर रही है, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है कांग्रेस में, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में चुनावों को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है, सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, बैठकों का दौर जारी है, क्या लग रहा है कितनी अहम ये बैठकें होने जा रही हैं अब? धीरेन्द्र, विधानसभा चुनाव बहुत कम समय में होने वाले हैं, आपको बता दें कि 18 मार्च 2022 में यहाँ नई सरकार का गठन होगा, और जनवरी से ही या कहिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह से ही यहाँ पे चुनावी आचार संहिता लागू हो सकती है, और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये चूंकि चुनावी साल है और चुनावी साल भी आधा बीत चुका है, जिसको देखते हुए अब तमाम जो सियासी दल है उनमें अपनी आंतरिक गतिविधियां बहुत तेज हो गई है। बीजेपी चूंकि सत्ताधारी पार्टी है और उसके सामने सत्ता में दोबारा से वापसी की एक बड़ी चुनौती है, उसको देखते हुए सबसे ज्यादा गहमागहमी सबसे ज्यादा सक्रियता भी उसी पार्टी में दिख रही है। इसके बाद बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और उसका पूरा प्रयास है कि इस बार वो सत्ता में वापसी करे, क्योंकि 2012-17 में कांग्रेस सत्ता में थी, तो कांग्रेस नेताओं में भी इसकी हलचल देखी जा रही है। हालांकि कांग्रेस की जो प्रमुख नेता थी और उत्तराखंड विधानसभा में
नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद कांग्रेस को एक नए नेता प्रतिपक्ष की तलाश है और कांग्रेस इस पे मंथन कर रही है कि कौन सा ऐसा विधायक हो सकता है जो कि बीजेपी को टक्कर दे सके, विधानसभा में भी, संसद में भी और सड़क पर भी, यानी असेंबली में भी और सड़क पर भी। इस लिहाज से कौन विधायक अच्छा हो सकता है, इसके साथ ही साथ कांग्रेस के सामने ये भी चुनौती है कि जिसको यह पद दिया जाए वह जो यहाँ के तमाम जो राजनीतिक समीकरण होते हैं उनमें भी संतुलन बिठाए, यानी जाति समीकरण के हिसाब से देखे। कांग्रेस की जो इंदिरा हृदयेश थी वो ब्राह्मण समुदाय से आती थी और कुमाऊं मंडल से आती थी, इसलिए और जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रीतम सिंह गढ़वाल मंडल से आते हैं और क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, तो जाति समीकरण के हिसाब से इस पद से किसी ब्राह्मण विधायक को मौका मिलना चाहिए ऐसा कांग्रेस मानती है और शायद इसीलिए तलाश में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन 25 जून तक शायद उसकी तलाश पूरी हो जाएगी और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी वह यह तय कर सकती, क्योंकि चुनाव बहुत कम समय में होना है, इसलिए कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दी जाए जो बीजेपी से टक्कर ले सके, बीजेपी के जो जनहित के कार्य करने में जो असफल रही है, जो उसकी घोषणाएं नहीं पूरी की जा सकी है उसको जनता के बीच ले जा सके। इसी तरह बीजेपी का पूरा प्रयास है कि सत्ता में वापसी की जाए और उन्होंने शायद इसीलिए चुनाव से एक साल से भी कम समय के रहने के बावजूद जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बदला और उसको पूरी उम्मीद है कि तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़के हो वापस सत्ता में वापसी करेंगे। और तीरथ सिंह रावत के सामने जो वर्तमान मुख्यमंत्री है एक बड़ी चुनौती है कि वो 6 महीने के अंदर जो कानूनी बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता है कि उनको विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है, तो अभी भी शायद मुख्यमंत्री यह तय नहीं कर सके कि वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि प्रदेश में 2 सीटें अभी खाली हुई है, उत्तरकाशी से जो गोपाल सिंह रावत विधायक थे उनका कैंसर की वजह से आकस्मिक निधन हो गया वह सीट खाली है, डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन से हल्द्वानी की सीट भी खाली है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री कांग्रेस की सीट यानी जिसपे इंदिरा हृदयेश अभी तक विधायक थी उस सीट पे चुनाव लड़ते हैं या उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट से, क्योंकि गंगोत्री सीट से मुख्यमंत्री और बीजेपी की सक्रियता ज्यादा देखी जा रही, तो उम्मीद ज्यादा यही की जा रही कि मुख्यमंत्री गढ़वाल मंडल के ही उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बात करें पार्टी की आंतरिक तैयारियों की तो बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं अभी तक सबसे आगे दिखाई दे रही है, उसके राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम लगातार फीडबैक ले रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही है। 27, 28 और 29 जून को नैनीताल के रामनगर में चिंतन बैठक होने जा रही है, इसके पहले वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति हुई जिसमें चुनावी एजेंडे पर काफी गहनता से चर्चा हुई और कुछ ही दिनों में उनका जो धीरेन्द्र ये जानकारी दीजिएगा कि क्या उच्च स्तर पर काम हो रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं क्या वो घर घर तक पहुंच रहे हैं उनके काम? बिल्कुल, देखिए सोनिका यह दावा तो बीजेपी करेगी क्योंकि सत्ता में बीजेपी है और उसे यह बताना पड़ेगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो उसका मैनिफेस्टो था उसमें से कितने पे काम हुआ है, कितने पे नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड के विधानसभा में पहली बार किसी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, इसलिए बीजेपी इस पे कोई भी टाल मटोल या बहाना नहीं कर पाएगी कि किस वजह से ये काम नहीं हो सके। हालांकि कोरोना का एक ऐसा बहाना उनके सामने है जिसकी आड़ में ये बच सकते हैं जनता के उत्तरदायित्व से कि इसकी वजह से जो सरकार के काम करने की स्पीड थी थोड़ा कम हुई, वो प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है उसका पूरा प्रयास रहेगा कि बीजेपी को उनके मैनिफेस्टो पर ही घेरा जाए और 2017 के मैनिफेस्टो को प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं पूरी कर पाई और क्या कमियां रह गई उसको कांग्रेस पूरा उघाड़ने का प्रयास करेगी। और बीजेपी शायद इस बात को बहुत अच्छी तरह से, बहुत बेहतर तरीके से समझती है, इसीलिए सांगठनिक स्तर पे वह कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती और आप देख रही होगी, आप ऑब्जर्व कर रही होगी कि लगातार उनकी जो सांगठनिक बैठकें हो रही है, जो चुनावी रणनीतियां बन रही है वो कितनी मजबूती से और कितनी आप समझिए कि गंभीरता से उसको उनका आलाकमान ले रहा है, क्योंकि बंगाल का उदाहरण सामने है और भी कुछ प्रदेशों में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है विधानसभा के चुनाव में, तो उसका पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड में कम से कम तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई कि उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, किस तरह से सरकार तैयारी कर रही है नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर के। बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।